वहां देखो, पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो, कोई पैलेस में घुस आया है, थीफ। मन में सोच रहा होता है कि अभी भी ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम लोग उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यदि तुम इस छोटे थीफ को नहीं पकड़ सकते तो तुम्हारा क्या काम है? यस सर, थीफ मन में सोच रहा होता है कि उसे पैटी थीफ बुलाया जा रहा है। मैं तो 21वीं सेंचुरी का मोस्ट वांटेड किलर हूँ, क्या ये एंशिएंट जमाने के लोग मुझे पकड़ सकते हैं? ये रूम काफ़ी डार्क है, इसमें लाइट भी नहीं है, मेरे छिपने के लिए बेस्ट रूम है। ये सोचकर ये पैटी थीफ इस कमरे में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो इस कमरे में जाता है, उसे मेडिसिन की स्मेल आती है और वो समझ जाता है कि ये कमरे में कोई है। थोड़ा नज़र घुमा के देखता है तो उसे एक इंसान बिस्तर में पड़ा नज़र आता है। थीफ फट से उस बेड पर लेटे इंसान पे चाकू रखता है और बोलता है, आवाज़ मत करना, आवाज़ करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ गार्ड्स कहते हैं, मास्टर एक्सू ही वो थीफ उस कमरे में गया है। गार्ड कमांडर एक्सू ही बोलता है, जल्दी से सब वापस जाओ, बैक टू थीफ। अब ये थीफ बेड पर पड़े इंसान को बोलता है, थैंक यू कॉपरेशन के लिए, मैं बस यहाँ छिपना चाहता हूँ। मन ही मन सोचता है कि गार्ड्स भी चले गए हैं तो अब मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो जा पाता, कुछ हुआ और बिस्तर में पड़े आदमी की छाती पर गिर पड़ा। तभी बेड पर पड़ा आदमी बोलता है, ये रूम में एक खुशबू है जिससे तुम्हारा दिमाग तो जागा रहता है पर तुम्हारा बॉडी नहीं मूव कर पाता। ये सुन के थीफ बोलता है, तो ये बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बोली? बेड पर पड़ा आदमी बोलता है, तुमने तो कहा था कि आवाज़ की तो तुम्हें मार डालूंगा। मुझे थीफ मन में बोलता है, तभी इस रूम में कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि आदमी मूव ही नहीं कर सकता। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों पड़े हो? जब देखता है कि बेड पर लेटा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल रहा तो थीफ बोलता है कि मुझे नहीं करना तुमसे बात। और बेड पर पड़ा आदमी मन में सोचता है कि ये थीफ बिल्ली की तरह एग्रेसिव है। बेड पर पड़े आदमी ने थीफ की कमर में हाथ डाला और उसे हक कर लिया। तभी थीफ बोलता है, क्या तुम पे भी इस दवाई का असर है? बेड पे पड़े आदमी कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझ पे इसका कोई असर होगा? ऐसा कह के वो अपना हाथ बढ़ाता है और थीफ के को इधर उधर छूने लगता है। थीफ को लगता है कि ये आदमी उसका फायदा उठा रहा है, तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? बेड पे पड़ा आदमी बोलता है, क्या कर सकता हूँ मैं? ऐसा कहकर वो चाकू ढूंढ लेता है जो थीफ की कमर में छिपा होता है। तभी ये बेड पर पड़ा आदमी बोलता है, मेरा नाम यी जिंग है, 3 साल पहले मैं जिन बाई वैंग का असिस्टेंट था बैटलफील्ड में, पर एक बार बैटलफील्ड में जाने से पहले मैंने गलत नीति बनाई और मुझे वहां से किसी ने पॉइजन कर दिया, तभी से मैं इस पैलेस में कैद हूँ। ये सब एक मंत्रगणन कहानी है जो इस आदमी ने पैटी थीफ को सुनाई। थीफ बोलता है, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? बेड पे पड़ा हुआ आदमी बोलता है, मेरी मटेरियल आर्ट की जो स्किल है वो ख़त्म हो गई है और मैं ज़्यादा रोशनी के नीचे भी नहीं रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर उसके डार्क गार्ड्स होते हैं जो अंधेरे में छुपे होते हैं, वो सोचते हैं कि
उनका मास्टर बिना पलक झपकाए झूठ बोल रहा है। तभी थीफ बोलता है, यदि तुम्हें जिन बाई यी ऐसे ट्रीट किया है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मत करो उसके लिए काम और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे शरीर के पॉइजन का कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ तुम्हें अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम रोशनी ना देख सको, पर यहाँ भी मत रहो। इस अंधेरे में मरने से तो अच्छा है कि तुम रोशनी में ही रहो। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी क्या एबिलिटी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी थीफ अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है, मेरा सरनेम जी है और मेरा नाम जियांग है। मैं जी फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि योर मैजेस्टी ने मेरी शादी जेन बाई वैंग के साथ फिक्स कर दी है। तो शादी ही मैं इम्पीरियल शादी के बाद मैं इम्पीरियल कुबीन बन जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। तब बेड पे पड़ा हुआ आदमी कहता है कि ओ, तो तुम मास्टर की कुबीन हो। जियांग बोलता है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जियांग मन में सोचता है, अभी तो सब ठीक था, अब क्या हुआ कि यह आदमी अजीब बिहेव कर रहा है? बिस्तर में पड़ा आदमी जियांग के कान में जाके कहता है, मुझे मास्टर ने इतनी चोट पहुंचाई है और अब उनकी कुबीन मेरे बिस्तर में चढ़ गई है। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार डालो। पर इतना कह के ये बिस्तर में पड़ा आदमी जियांग के कपड़े फाड़ देता है। जब जियांग देखता है तो वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो? और जियांग दूसरे आदमी की नेक पर बाइट कर लेता है। ये बाइट जैसे ही पड़ता है, बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी बोलता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं किसी को हेल्प करने के लिए बुलाऊंगा। जियांग बोलता है, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्या तुम मुझे फिर यहाँ से जाने दोगे? तो वो ऐसा सोच के बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो जाने लगता है। तभी बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी बोलता है, तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना जो तुमने किया है कि तुम मुझे यहाँ से वापस निकाल दोगे इस अंधेरे कमरे से। दूसरी ओर एक्स्यू ही लॉर्ड, क्या हम चोरों को, चोर जो जा रहा है उसे पकड़ना चाहिए? तो वो बोलता है, लॉर्ड बोलता है कि मास्टर ने उसे जाने दिया है तो अब हमें भी चलना चाहिए, हमें उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बेड पे जो आदमी था उनका मास्टर, वो सोच रहा होता है कि ये जी जियांग काफी इंटरेस्टिंग है, तो अब शादी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद जी पैलेस में किचन में सिर्फ ऐसा ही खाना बनाया गया है मेरे लिए। इसमें कोई भी मीट नहीं है, फिश नहीं है। यदि ऐसा ही खाना मुझे खाना पड़ेगा तो सर्वेंट के मील में और मेरे मील में क्या अंतर रहेगा? ऐसा जियांग बोलता है। तभी एक्सियाओ मोटाओ जी जियांग की सर्वेंट बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। हमने तो आज राइस और मिंस मीट खाया है। और बोलती है कि यंग मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रही थी, सर्वेंट्स का खाना तो इससे भी बुरा होता है। तो यंग मास्टर, आप इस खाने को लेके गुस्सा मत हुई है। तभी जियांग बोलता है कि ये सिर्फ मैटर खाने का नहीं है, ये है सिंसियरिटी का मैटर। और ऐसा कह के वो खाने की प्लेट को फेंक देता है।
और बोलता है कि जी पैलेस ने सिर्फ एक्सपेंसेस को ही कट नहीं किया है, बल्कि जो वो फूड देते हैं उसमें भी उन्होंने कटौती करनी चालू कर दी है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो एक एलमाइटी जीनियस किलर हूँ 21st सेंचुरी का, और अब मुझे इस तरह का खाना खाना पड़ रहा है। ओरिजिनली तो किलर जो होता है उसके ब्लेड जो होते हैं वो रोज ही खून से सने होते हैं, और उसका एक हाउस परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और इसमें जो है पैसा जो है वो बचाना भी बहुत मुश्किल होता है, और लग्जरी विला को भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, पर रिटायरमेंट के बाद तो हम ये सब ले सकते हैं। अब लेकिन इस एंशियंट जमाने में जब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे ये पैसा कमाऊंगा, और ऊपर से जिस बॉडी में मैं आया हूँ वो एक ट्रैश आदमी है जिसका नाम जी ज्यांग है। तो जी ज्यांग के फादर जो हैं वो जी फैमिली के मेंशन के हेड हैं, और वो 3 साल पहले मर चुके होते हैं, और जब उसके फादर मर जाते हैं तो उसकी माँ भी उनके दुख में मर जाती है। तभी से जी ज्यांग को पैलेस में सभी लोग बुली करने लगते हैं और वो एक डल चाइल्ड में बदल जाता है। तभी जी ज्यांग बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके कुछ मजेदार सा खाना खाऊंगा। और तभी उनकी सर्वेंट बोलती है कि लेकिन मास्टर हमें तो बजट मेंटेन करना है, आप कैसे बाहर का खाना खा सकते हैं करके। तभी वो अपने मन में सोचता है कि जो जी फैमिली है वो अपने बड़े बेटे के ऊपर इतनी हार्श है कि पूछो मत, और ऊपर से उन्होंने उसे जैन बाई वैंग के साथ मैरिज करने के लिए भी फोर्स किया है, और ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ये लोग मुझे बहुत बुली कर रहे हैं, और मुझे जो है वो जी जैन बाई वैंग के साथ शादी नहीं करनी है। पर सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी ये है कि मैं किसी भी तरह रुई टियान डेस्टिनी में जाऊं और वहां पे क्या हो रहा है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करूं। ऐसा सोचते हुए जी यांग अपने महल से बाहर निकल जाता है। अब जब वो बाहर निकल जाता है तभी वो एक आदमी से जाके टकरा जाता है, और वो आदमी बोलता है तुम कैसे चल रहे हो, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, तुमने मुझे धक्का मार दिया। तभी जियांग सोच रहा होता है कि मैं तो ठीक से ही चल रहा था, ये आदमी आके मेरे से टक्कर मार गया। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, उसकी नजर जाती है उस आदमी की एक पोटली में, एक बैग में जिसमें पैसे रखे होते हैं, और वो तुरंत माफी मांग लेता है कि सर मेरी ही गलती है, मैं ठीक से नहीं चल रहा था इसीलिए मैं आपसे टकरा गया। दूसरा आदमी बड़ा प्राउड होता है कि चलो मेरे से इस आदमी ने माफी मांग ली करके, और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो ज्यांग अपना सिर झुकाता है और धन्यवाद दे के आगे बढ़ता है, और वो जब उसको धन्यवाद दे रहा होता है तब वो उस आदमी की पोटली को चुरा लेता है और बोलता है एक मनी ही एक ऐसी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए, बता नहीं मुझे एक अच्छा खाना खाए हुए कितना लंबा समय हो गया है। इम्पीरियल रुई टियान डेस्टिनी जो है वो आज बहुत ही वो है हसल बसल में, मतलब बहुत भीड़ भाड़ से भरी हुई है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है तुम वहां रुको, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए, और कोई बोलता है मेरे हाथ तो मेरे ही हैं, मैंने कैसे तुम्हारे पैसे चुरा लिए। और तभी वो ज्यांग वहां से चला जाता है। तभी एक आवाज आती है कि सब लोग दूर हटे, सब लोग दूर हटे,
मास्टर की वैगन आ रही है। इस वैगन को लेके आने वाले कोई और नहीं लॉर्ड एक्सुई होते हैं, और ज़ियांग दूसरी ओर दूर से ये सब देख रहा होता है। और लोग बोलते हैं कि यदि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो तुम्हें अपना सिर झुका के यहाँ पर इनको बो करना चाहिए, क्योंकि मास्टर आ रहे हैं। तो ज़ियांग बोलता है कि मुझे अपने पैर झुकाने पड़ेंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे। और जी ज़ियांग बोलता है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप के आगे ही और भगवान के आगे अपने घुटने टेकता हूँ, उनके अलावा मैं किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेकता हूँ। तभी हरे कपड़ों में जो एक आदमी है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि उस वैगन में कौन है, तुम्हें इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धीरे अपनी आवाज को रख के बोलो, यदि जोर से बोलोगे तो तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता है। तभी वो बोलता है देखो वो गार्ड एक्सुई है, लॉर्ड एक्सुई है, और वो ज़ेनबाई पैलेस से है। तो ये जो वैगन है वो ज़ेनबाई की वैगन है। तो ज़ियांग बोलता है कि अच्छा तो ये ज़ेनबाई की वैगन है, पर ज़ेनबाई वैंग कौन है? तो ये जो ग्रीन कपड़े में आदमी है वो बोलता है कि तुम नहीं जानते ज़ेनबाई फैंग कौन है, वो भी रुई टियान डेस्टिनी से है। 20 साल पहले रुई टियान में एक मशरूम की तरह था, ये जो हमारा सिटी है वो एक मशरूम की तरह था, और इसकी जो लैंड है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जहाँ पर वार हुआ और बहुत सारे लोगों ने सफर भी किया। और हिज मैजेस्टी यानी उनकी मैजेस्टी के यंगर ब्रदर ने रान मो यान ने यह आर्मी को 10 साल तक चलाया था, और तब जाके उन्होंने ये वार को जीती थी। और ये वार जो है इस वार को टाइटल ज़ेनबाई वैंग दिया गया था। लेकिन 3 साल बाद ज़ेनबाई वैंग किसी इलनेस की वजह से मर गए, और प्रिंस रान मॉ फैंग ने इस टाइटल को रिप्लेस कर दिया अपने फादर से। तो ये जो आदमी है हीरोइक आदमी, उसमें बहुत टैलेंट होता है, और ये 7 साल से सभी कंट्रियों में से इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली होती है। तभी से रुइन टियान जो है वो एक लीडिंग नेशन बन चुका होता है। और लेकिन इन सब में कहा जाता है कि जो उनके जो मास्टर है जी वैंग वो भी उसी सिचुएशन से गुजरे हैं जिस सिचुएशन से उनके फादर गुजरे होते, किसी ने उनके फादर को भी पॉइजन कर दिया था और वो इस तरह मर गए थे। और सेम पॉइजन अब जी वैंग पे है, जिसकी बॉडी में वो पॉइजन है जिसकी वजह से वो पूरा दिन पड़ा रहता है, हिल डुल नहीं सकता है, और कह नहीं सकते कि वो कब तक जिंदा रह सकता है। और वो ग्रीन कपड़ों में जो आदमी है वो कह रहा होता है कि लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद भी जो हमारे मैजेस्टी हैं उन्होंने इस फादर और बेटे की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उनकी जो ग्रेस है उसको पहले की तरह ही सेम रखा, कोई भी उनके कंफर्ट्स में चेंज नहीं किए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ज़ेनबाई वैंग के कैरेक्टर्स धीरे धीरे चेंज होने लग गए, और अब वो एक किंग
जिससे सब लोग डरते हैं, वैसा एक आदमी बन चुका है। तभी कोई बोलता है कि देखो वहां पर मास्टर की वैगन आ रही है, तो तुम लोग रोड के साइड में हो जाओ, रोड के बीच में से हट जाओ। तो जो रास्ते में चलते हुए आदमी होते हैं वो बोलते हैं, मास्टर? कौन सा मास्टर? जिन बाई वैंग, जो हमेशा बीमार रहता है और जो कभी उठ भी नहीं सकता, क्या वो इस वैगन में है? जरूर इस वैगन में कोई नहीं होगा और ये वैगन जो है वो खाली होगी। और फिर भी मैं तुम जैसे पैटी छोटे से बॉडीगार्ड को यहां से जाने के लिए रास्ता दूं? क्यों दूं? तभी लॉर्ड एक्सवी बोलते हैं, जो लोग वैगन को रास्ता नहीं देंगे और वैगन को ब्लॉक करके रखेंगे उन्हें मैं मार दूंगा। तो वो आदमी, जो दूसरा आदमी है, वो बोलता है कि जो ड्यूक होता है वो भी प्रिंस है कंट्री का, तुम मुझे परेशान कर रहे हो और तुम्हें इसके लिए मुझे किसी भी तरह कंपनसेट करना पड़ेगा, तो तुम मुझे जल्दी कंपनसेट करो। एक्सुई लॉर्ड को गुस्सा आ जाता और वो उसको तलवार उसके पेट में घुसा देते हैं। ये सब दूर खड़े होके जियांग देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये किस तरह का सीन है जो उसके समझ में नहीं आता, क्या किसी को मारने की जरूरत थी करके। तभी जो ग्रीन कपड़े में आदमी होता है वो काफी डर जाता है ये सब देख के और बोलता है कि तुम नहीं शायद जानते कि जो लीडर एक्सवी है वो पहले डिप्टी ही हुआ करते थे रॉयल फैमिली का, जो बैटलफील्ड में एनिमीज को मारते थे, जो उनके हाथ में फ्रेश ब्लड है उससे इतना ब्लड होता था उस टाइम पर उनके हाथ में कि उससे पूरे कंट्री को वो डाई कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे रॉयल फैमिली डिटोरिएट होती गई, मतलब रॉयल फैमिली का पावर कम होता गया, तो वो भी फिर उनका मिलिट्री पावर भी कम होता गया और उन्होंने वॉलंटियर कर दिया कि अब वो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड का काम करेंगे। बॉडीगार्ड का काम करने के लिए उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया। तो जियांग सोचता है कि माना एक टाइम पे उन्होंने बहुत ग्लोरी कमाई, सब कुछ किया, लेकिन अब क्या, अब तो वो सिर्फ एक गार्ड कमांडर है, वो कैसे किसी रॉयल रिलेटिव्स को रोड पे मतलब मार सकता है। तो ग्रीन कपड़े वाला आदमी बोलता है कि यहाँ इस दुनिया में इतने सारे रॉयल फैमिली के लोग हैं जो बहुत ही इडियट और बेवकूफ है और ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आए हैं, लेकिन जो भी ये एक्सवी कमांडर करते हैं वो बहुत ठीक करते हैं और मैं इनको बहुत एडमायर करता हूँ, मतलब मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। फिर ये ग्रीन कपड़े वाला आदमी अपना परिचय देता है कि मैं जांग जी युआन हूँ और मेरी स्पेशलिटी बिजनेस करने में है, मैं बिजनेस में ट्रेडिंग का काम करता हूँ, यदि तुम्हें कभी कोई बिजनेस करना हो तो तुम मेरे पास जरूर आना। इसी के साथ एक्सिया जी यांग द एल्डेस्ट सन ऑफ द जी फैमिली कहके कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कहके दोनों एक दूसरे के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये ग्रीन कपड़े वाला आदमी सोचता है कि आप जी फैमिली से हैं करके और अपने मन में सोचता है कि सभी लोग सोचते थे कि ये जो जी फैमिली का एल्डेस्ट सन है, मतलब जियांग जो है वो एक कावड़ आदमी है और उसमें कुछ हिम्मत विम्मत नहीं है, लेकिन लगता है कि ये सब अफवाहें थी, जब तक आप आदमी को सामने से ना देखो तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को झुक के अपनी विशेष देते हैं
और बोलते हैं कि अब हम किसी और दिन मिलेंगे। और ये बोलता है कि यदि आपका मन करे तो आप एक्सवान चाय लाओ नान जाय पिन को फाइंड कर सकते हैं, वो मेरा ब्रदर है और हम वहां पर बैठ के चाय पी सकते हैं। दूसरी तरफ जियांग वापस अपने महल में पहुंच जाता है और बोलता है अपनी मेड सर्वेंट से, एक्सिया मोटाओ तुम बताओ कि हमारे इस दुनिया में कितने लोग होंगे। जब इतने सारे लोग हैं तो जो मैजिस्ट्री हैं वो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं जैन बाई वैंग से शादी करने के लिए। तो जो ये सर्वेंट है वो बोलती है कि जो यंग मास्टर हैं, यंग मास्टर मैंने सुना है कि मैजिस्ट्री ने पहले भी ये मैरिज को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की पहले कोशिश करी थी, उन्होंने पहले भी इस मैरिज का ऑर्डर दिया था, लेकिन जिन्होंने भी उस टाइम पे शादी की वो सारी कुबींस जो थी वो मर गई, वो भी आधे साल में, कोई भी एक साल या उससे ज्यादा जीवित नहीं रह पाया। और वो कह और ऐसा कहा जाता है कि जो मास्टर की फैमिली है वो अच्छी फैमिली नहीं है, क्योंकि जो भी उनके यहाँ जाता है वो मर जाता है। ये सर्वेंट कुछ खाते हुए ये सब जियांग को बता रही होती है, तभी जियांग सोचता है कि इस बार किसी ऑफिशियल ने एम्परर से कहा है कि जैन वैंग बाई को एक मेल वाइफ दी जाए जिससे कि उनकी जो महल है उसमें शांति बनी रहेगी। और वो सोचता है क्या ये जो एम्परर है वो वाकई में अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें शांति बनाए रखने के लिए चिंतित है, या वो नहीं चाहता कि जी पैलेस की और भी कोई जनरेशन आए। क्योंकि सभी जानते हैं यदि मेल एंड मेल शादी करेंगे तो उनकी कोई संतान नहीं हो सकती, तो उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो ये भी सोचता है कि कोई बात नहीं, जी पैलेस में तो जो भी रहता है उसे कोई पसंद नहीं करता। तो जेन बाई वैंग से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है कि जगह बदल जाएगी, इस जगह की जगह मैं उस जगह पे रहूंगा। ऐसा सोच के जियांग अंगड़ाई ले रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि ये भी एक अच्छी बात है कि ये जो आदमी है जेन बाई वैंग वो एक बीमार आदमी है, वो शायद मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं उससे शादी कर लूंगा तो मुझे फ्रीडम भी मिल जाएगी और वो जी पैलेस की अपेक्षा उसका जो महल है वो ज्यादा बेटर है, तो मुझे रहने के लिए भी थोड़ा अच्छी जगह मिल जाएगी। यदि मैं उससे शादी करूंगा तो क्या उसका पैसा गोल्ड सिल्वर भी क्या आधा मेरा होगा, जियांग ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। और ये भी सोच रहा होता है कि क्या पहले के जमाने में ऐसा था कि कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती हो जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉमन होती हो और दोनों को इक्वली मिलती हो। और वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया है, शादी तय हो गई है, मुझे शादी करना ही पड़ेगी, तो अब मैं पैलेस में जाऊंगा, वहां जाके रहूंगा, वहां पर मनी को लेके वहां से सारा मनी इकट्ठा करके भाग जाऊंगा और कुछ मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और वो बोलता है गोल्ड एंड सिल्वर मैं आ रहा हूं पैलेस में तुम्हारे लिए। तभी उसे याद आता है कि उस रात उस कमरे में एक मेडिसिन की स्मेल थी जिसे सूंघकर वो एक मतलब उसका दिमाग तो चलता रहता है लेकिन उसका बॉडी पैरालाइज जैसा हो जाता है, तो उसे उस रूम में नहीं जाना चाहिए।
ये सब होने के बाद ज़ियांग सोचता है कि अब उसे नहाना चाहिए और वो नहाने के लिए जाता है और वहाँ नहाते हुए सोचता है कि कितना अच्छा स्किन है उसका। स्किन शायद इस वक्त भी बहुत और भी अच्छा हो गया होगा, ग्लो कर रहा होगा, और वो भी तो एक आफ्टर ऑल एक नोबल फैमिली का बेटा है करके। और मुझे ये भी नहीं पता कि उस डार्क रूम में कौन व्यक्ति था। ये ज़ियांग जो है इस वक्त ज़ेन बाई के बारे में याद कर रहा है। तभी वो सोचता है कि वो कितना पागल है, वो उसके बारे में क्यों याद कर रहा है, और अपने कपड़े खींचने लगता है पहनने के लिए और आवाज़ लगाता है एक्साउई मो टाउ, क्या तुमने दहेज की लिस्ट इधर, डाउरी की लिस्ट इधर ले आई हो? तो सर्वेंट बोलती है हाँ मास्टर, मैं डाउरी की लिस्ट ले आई हूँ। और ऐसा कहके वो एक बुकलेट ज़ियांग के हाथ में देती है और जिसमें लिखा होता है कि लैंड, शॉप्स, इस्टेट्स सब कुछ इंक्लूडेड है डाउरी में। लेकिन ज़ियांग सोचता है कि क्लोथ्स, ज्वेलरी जो है वो सब प्रैक्टिकली सभी को देते हैं और कुछ शॉप्स हैं जो उसे दी गई हैं, जो उसकी माँ ने उसे दी थी जब वो छोटा था, और ये काफी वैल्यूएबल है उसके लिए। और फिर वो पूछता है कि आज दिन भर में कौन आया था उनके यहाँ पर सिवाय उस सर्वेंट के जो ये लिस्ट लेके आया था। तो सर्वेंट बताती है कि मिस ली युन आई थी, लेकिन तब मास्टर आप यहाँ नहीं थे और फिर वो जल्दी ही चली गई। तो ज़ियांग सोचता है कि जी युन वो यहाँ क्यों आई थी मुझे ढूंढने के लिए। तो सर्वेंट बताती है कि कुछ समय पहले आपकी आंटी ने उन पे एक दया दिखाई थी और एक कुबीन आपके अंकल को दी गई थी, और वो जो कुबीन है वो कोई और नहीं जी युन ही है, लेकिन अभी लिन युन की जो सिचुएशन है वो थोड़ा वियर्ड है, कोई भी मेरी परमिशन के बिना ये पैलेस को नहीं छोड़ के जा सकता है। तभी ज़ियांग सोच रहा होता है कि वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल गेस्ट मालूम पड़ता है, लगता है वाकई में उसे मेरे से कोई काम होगा तभी वो मेरे से मिलने आई होगी। तो इस बार तो मैं नहीं मिल पाया लेकिन अगली बार मैं मिलूंगा। दूसरी तरफ ज़ेन बाई वैंग के पैलेस में एक आदमी बोलता है जो यंग मास्टर है वो वाकई में ब्लेस्ड है। काफी समय तक जो हमने दवाइयाँ उन पे यूज़ करी हैं उसकी वजह से उनके जो शरीर में टॉक्सिन था वो काफ़ी कंट्रोल हो गया है। ये जो है आदमी जो ये बोल रहा है वो उनका डॉक्टर है, लेकिन मास्टर की तबीयत को ठीक करने के लिए अभी भी एक चीज़ मिसिंग है जो इस पॉइजन को ठीक कर सकती है। तो लॉर्ड एक्सुई बोलते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है और कहाँ मिलेगी। तो डॉक्टर बोलता है कि वो एक रेड लुई लिल फ्लावर है, रेड लुई लिल फ्लावर है जो फोटो में तो ऐसा लगता है जैसे कि गुलाब की तरह है, बट इन्होंने उसको कुछ रेड लुई फ्लावर का नाम दे रखा है। तो डॉक्टर कहता है कि ये जो फ्लावर है वो इतना हार्ड है उसे वर्ल्ड के अंदर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और ये जो फ्लावर है 1000 साल में एक बार खिलता है, और इस फ्लावर में जो है स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और ये सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो लकी लोग होते हैं। तभी ज़ेन बाई अपने बिस्तर से उठता और बोलता है कि यदि ये फ्लावर इतना लकी फ्लावर है कि जो उसी इंसान को मिलेगा जो लकी होगा
तो फिर मैं इसे फोर्स नहीं कर सकता किसी को भी ढूंढने में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मास्टर आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं वाकई में आपको एडमायर करता हूँ, बट यंग मास्टर अभी तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन है उसको हमने सप्रेस कर दिया है, फिर भी हमें इसे पूरी तरीके से निकालने के लिए इस फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये जो है ये टॉक्सिन आपके बॉडी को बाद में बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगा और आपको बहुत टायर्डनेस फील होगी। जैन भाई अपने बिस्तर से उठता है, बोलता है ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा। दूसरी तरफ रॉयल लाइब्रेरी पैलेस के अंदर क्यू ई एम्परर है जो रुई टियान का रान मोफू इनका नाम रान मोफू है जो एम्परर हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अभी पता चला है कि मेरे नेफ्यू ने एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर को ढूंढा है, तो उनके ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट रहा। तो जो उनका सर्वेंट है प्राइवेट आर्मी लीडर जो है क्यूई, वो बोलता है मैजेस्टी हमारे डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो मास्टर है वो अभी भी बिस्तर में पड़े हुए हैं और वो उठ नहीं सकते हैं, और उनकी जो डिजीज है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन जो फिजिशियन है डॉक्टर है वो हर दोपहर में उनके कमरे में जैन भाई वैंग के कमरे में जाता है और उनकी पल्स को लेता है। तो एम्परर बोलता है तो कैसा दिख रहा है तुम्हें ये बताओ। तो ये जो गार्ड है वो बोलता है ऐसा लगता है कि अब जैन भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और वो शायद कभी भी मर जाएगा। एम्परर बोलता है क्या सच में। तो गार्ड बोलता है कि फिजिशियन ने ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तभी एम्परर बोलता है हाँ वैसे भी ये जो पॉइजन है वो काफी रेयर है इस वर्ल्ड में, यदि फिजिशियन वाकई में इस बीमारी को ठीक कर सकता होता तो क्या मेरा जो मेडिकल सेंटर है वो क्या डेकोरेशन के लिए होता, क्योंकि वो कर नहीं पाया ठीक, तो इसलिए फिलहाल मेरा जो मेडिकल सेंटर है वो डेकोरेशन की तरह ही है। और मेरा जो ये नेफ्यू है वो बहुत ही चालाक है, क्या पता उसने कोई और मेथड निकाल ली हो और अपनी लाइफ को सेव कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो कमजोर तो हो गया है, तो एक काम करो तुम जाओ और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ यदि कोई और भी न्यूज मिलती है क्या। तो गार्ड बोलता है कि मैजेस्टी मुझे माफ करें लेकिन अभी तक कोई भी क्लूज नहीं मिला है। तो एम्परर जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और गार्ड को लात मार देता है और बोलता है तुम बहुत ही यूजलेस हो, इतने साल तक तुमने इन्वेस्टिगेट किया और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता चला। तो गार्ड बोलता है प्लीज मैजेस्टी आप एंग्री मत हो, मैं किसी भी तरह मैन पावर को ले जाकर फिर से कोशिश करूंगा कुछ ढूंढने की। और एम्परर बोलता है ठीक है तुम जाओ। रैन मो फैंग यानी एम्परर अब अकेला अपने कमरे में बैठ जाता है और सोचता है कि मेरा बेटा उसका क्या होगा। दूसरी तरफ दूसरा आदमी सोच रहा होता है कि जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो इतने सारे प्रिंसेस में उन्होंने मेरे बारे में और रैनमो यान के बारे में पूछा था। सभी जानते हैं कि हम दोनों में से ही किसी को चुनना होगा किंग की पोजीशन के लिए, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं मतलब जो एम्परर हैं वो बार बार रैन याओ यान को प्राइवेटली बुलाते हैं और उन्होंने उसे ची माई भी
और टैलेंटेड गार्ड्स भी दिए हैं, और इस वजह से मैं अपना रॉयल थ्रोन जो है राजगद्दी ऑलमोस्ट लूज करते करते रह गया हूँ। ची माई आर्मी सिर्फ एम्परर के ही ऑर्डर सुनती है, और यदि वो बैटल फील्ड में होती है तो वो कम से कम एक आदमी 100 लोगों से लड़ सकता है, लेकिन जब वो लोग बैटल फील्ड से लौट के आते हैं तो वो एम्परर के गार्ड बन जाते हैं और एम्परर को बहुत उससे प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं। और यदि इन लोगों को एसिनेशन के लिए चुना जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत ही माहिर होते हैं और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये काम किसने किया है। एम्परर सोच रहा होता है कि ये सब कुछ तो मेरे को बिलोंग करता है, लेकिन इस वक्त ये जो आर्मी है वो रान याओ यान के सन रान मो फेंग की है, और जो मेरा नेफ्यू है जो बहुत ही क्लेवर है उसके फादर ने इस आर्मी को छुपा के रखा था और किसी ने भी इस आर्मी का मतलब ट्रेस नहीं कर पाया था इस आर्मी को, और इस आर्मी ने बहुत ही ज्यादा विजय प्राप्त की है और बहुत लोग इस आर्मी को सपोर्ट भी करते हैं, और ये जो है वो बहुत पॉपुलर भी है, इतना पॉपुलर है कि किंग भी उतना पॉपुलर नहीं है। ये सोच के एम्परर बहुत ही ज्यादा बौखलाया होता है कि कैसे करके वो अपने नेफ्यू यानी जैन बाई से ये सब वापस ले सके और किसी तरह जैन बाई को अपने रास्ते से हटा सके। तभी इस एम्परर ने अपने नेफ्यू की बेइज्जती करने के लिए एक डिग्री जारी की होती है, जिस डिग्री में लिखा होता है कि उसे एक मेल कुबिन दी जाएगी और उसकी शादी एक मेल कुबिन से। दूसरी तरफ जियांग को उसकी माँ ने कुछ तीन मरने से पहले कुछ तीन दुकानें उसके नाम पे छोड़ी होती हैं, तो जियांग अपने एक सबऑर्डिनेट के साथ वो दुकान देखने जाता है और उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि एक ये आखिरी दुकान बची है, लेकिन जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो इस दुकान का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट उस तुम्हारी माँ की डेथ के बाद ये शॉप जो है वो बटलर को हैंडओवर कर दी गई थी और जी पैलेस के बटलर ने इसको अभी तक हैंडल किया था, और उसके बाद ये इस शॉप का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, और इवन जो इस शॉप में ट्रेजर था वो भी अब कुछ खास नहीं बचा है, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और जो एम्प्लॉयज थे वो भी बहुत कम बचे हैं, बाकी सारे जा चुके हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो फेल हो गया और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी आंट का हाथ है। तुम्हारी आंट ने जितनी भी कीमती चीजें थी वो सब यहां से निकाल ली। तो ज्यान पूछता है कि तो फिर तुम्हारी ओपिनियन क्या है, मुझे कैसे इन शॉप को हैंडल करना चाहिए। तो जो उसका सबऑर्डिनेट है वो बोलता है, यंग मास्टर मेरे हिसाब से तो इस शॉप को सेल कर देना चाहिए, इसी शॉप को नहीं हमें फैब्रिक और ज्वेलरी वाले शॉप को भी सेल कर देना चाहिए और हमें सेल करके एक नया शॉप लेना चाहिए, इससे हमें मनी भी मिल जाएगा और हम कुछ जो है कुछ लूज भी नहीं करेंगे। तभी जो ज़ियांग की सर्वेंट होती है वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, यही तो सिर्फ एक इनहेरिटेंस है जो ज़ियांग की माँ ने अपने बेटे के लिए छोड़ी है, तो इसे हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो
तो ज़ियांग खड़े होके अपने सर्वेंट और अपने सबऑर्डिनेट के बीच की ये बातें सुन रहा होता है। सबऑर्डिनेट बोलता है, लेकिन ये तो हमारे मास्टर की डाउरी भी है, तो हमें वैसे सही बात है, ये डाउरी वाली शॉप्स को मनी के लिए एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तो ज़ियांग बोलता है, ठीक है तुम सही हो, और बोलता है एक्साओ मोटाओ के भी जो शब्द हैं वो सेंस करते हैं कि हमें ये शॉप सेंस बनाते हैं कि हमें ये शॉप को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये मेरी माँ ने मेरे लिए बचा के रखी थी, तो हमको इसे नहीं सेल करना चाहिए। तो अपने मन में ज़ियांग सोचता है कि लेकिन शॉप में तो कोई ट्रेजर वेजर बचा नहीं है, कैसे क्या होगा, ट्रेजर वापस किसी तरह लेके आना पड़ेगा। और वो अपने मन में एक प्लान बनाता है, बोलता है ठीक है ये शॉप को हम चलाएंगे, इससे हम डबल प्रॉफिट निकालेंगे और मैं तुम लोगों को डबल सैलरी दूंगा। तभी लिन एक्सियामो झुकता है और अपने मास्टर को धन्यवाद देता है और बोलता है यदि आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एम्परर ने क्यों मेरी शादी एक मेल आदमी के साथ तय की है। और दूसरी तरफ ज़ेन भाई के गार्ड बोलते हैं कि यंग मास्टर, पिछले समय में एम्परर ने आपको मैरिज के लिए काफी सारी पत्नियां दी थी जो कि बहुत ही वीक थी, और मुझे लगता है कि एम्परर जो है वो उसको डर है कि यदि आपको वो कोई अच्छी पत्नी देगा और आप किसी बच्चे को जन्म देंगे तो आपका वंश आगे बढ़ेगा और फिर पावर आपके बच्चे के पास जाएगा, तो इसीलिए इस बार एम्परर ने आपको एक मेल वाइफ दी है बिकॉज वो चाहता है कि आपके कोई बच्चे ही ना हो और इस तरह आपका परिवार चले। तभी ज़ेन भाई सोचता है कि रान याओ फू सोचता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और यदि ज़ेन भाई के बच्चे नहीं होंगे और मैं यदि मर जाऊंगा तो वो ये जो आर्मी थी जो मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ी थी, चीमी आर्मी, वो उसको मिल जाएगी। तो सबऑर्डिनेट बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, मैं आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा। तभी ज़ेन भाई बोलता है कि ये सब बातें बंद करो और ऐसी सब बातें मत करो, डिनर कर लेते हैं फिर तुम मेरी फ्यूचर वाइफ से मिलने के लिए चलो। तो सबऑर्डिनेट बोलता है, लेकिन मास्टर आपको तो फिजिशियन ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है बिस्तर पे, आप ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ज़ेन भाई बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है फिर हमें क्या करना चाहिए, मैं तो सिर्फ जी पैलेस में जाके अपनी बीवी को मिलना चाहता हूँ, मतलब जो ये ज़ेन भाई है वो अपनी मेल वाइफ ज़ियांग को मिलना चाहता है जाके। तभी दूसरी तरफ ज़ियांग जो रास्ते में चल रहा होता है, उसकी नौकरानी बोलती है कि मास्टर इस महीने मुझे बहुत ही कम सिल्वर मिला है मंथली खर्चों के लिए, और तभी ज़ियांग बोलता है कि तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे मैं तुम्हें भी रिवॉर्ड कर सकूं। तभी कोई आके ज़ियांग से टकरा जाता है और ज़ियांग पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे बिना देखे रोड में चल रहे हो। और तभी ज़ियांग बोलता है कि ठीक है जाने दो इस बच्चे को,
वो बच्चा जो अभी अभी टकराया था ज़ियांग से, उसने एक छोटी सी पर्ची ज़ियांग के हाथ में दे दी थी चोरी छुपे, और वो वहाँ से भाग गया था। और ये पर्ची किसी और की नहीं थी, इस पे लिखा हुआ था कि फैंग स्वान चा लाओ डी रूम में मीटिंग है, और ये पर्ची जिन जी यून के द्वारा दी गई है। तो ज़ियांग बोलता है चलो फाइनली कोई अच्छी न्यूज आई है, हमें चलना चाहिए वहां पर। तो ये लोग उस टी शॉप में पहुंचते हैं, तभी वो लड़की बोलती है जी यून, जो जी पैलेस में डॉटर है किसी की, कि यंग मास्टर मैं आपसे बेग करती हूँ कि आप मेरी बहन को बचाएं। ज़ियांग सोचता है कौन बहन, किसकी बहन। तो ये भी सोचता है कि कुछ सालों पहले डी नैंग ने एक ही बच्चे को जन्म दिया था, तो अब इस बच्चे की सिस्टर कहाँ से आई। तो ये लड़की बताती है कि मुझे इतना पता है कि मेरी मदर जो थी वो कुबीन थी जी पैलेस में, और उस साल वो प्रेग्नेंट थी ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट थी। तो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई तो जो ग्रेट लेडी है वो बहुत ही अफ्रेड थी कि अब मेरी माँ जो है वो दो बच्चों से प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है ग्रेट लेडी की पोस्ट मेरी माँ ले ले पैलेस में। तो उसने एक मिडवाइफ को बिना किसी को बताए हुए अरेंज किया और वेट करने लगी कि मेरी माँ कब बर्थ देगी। और उसका ऐसा प्लान था कि वो मेरी माँ को सिर्फ बर्थ देने देगी और उसे मरता हुआ छोड़ जाएगी और बच्चों को लेके वो भाग जाएगी। तो ज़ियांग बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब यह है कि ग्रेट लेडी ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है, तो फिर तुम्हारी सिस्टर का क्या हुआ। तो ये लड़की बताती है कि मेरी माँ को पहले से ही पता था कि ये ग्रेट लेडी जो है वो उसको मतलब मेरी माँ को मार देगी, और इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मेरी माँ ने फिजिशियन से भीख मांगी, बोला कि मेरे एक बच्चे को पैलेस के बाहर किसी ठीक ठाक फैमिली में पलने के लिए छोड़ दें। जब मैं 10 साल की हुई तो लिंगी जो एक 7 था वो मेरी माँ के बहुत ही क्लोज था, और वो जिंदा थी ये 7, और इसी 7 ने मेरी यंगर सिस्टर को पैलेस में मुझसे मिलने के लिए लेके आई थी। लेकिन उस दिन पैलेस में कोई प्रॉब्लम हुई और लिंगी को झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया, कहा गया कि इसने कुछ पैलेस से चोरी किया है, और उसको मार पीट के पैलेस से बाहर निकाल दिया गया। और जो मेरी यंगर सिस्टर थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझ लिया गया कि वो लिंगी की बेटी है जो कि एक सर्वेंट की बेटी है, और उसे एक सर्वेंट बना दिया गया, मेरी बहन को एक सर्वेंट बना दिया गया। मेरी सिस्टर का नाम है लुआन, मिसेस लिन का जो ग्रैंडसन है वो उसके साथ प्यार में पड़ गया था, उसे मेरी बहन पसंद आ गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर को बहुत हैरान किया गया, ये जो उसका लिन का ग्रैंडसन जो है उसने मेरी सिस्टर को बहुत हैरास किया। मेरी सिस्टर इस हैरासमेंट को नहीं बर्दाश्त कर पाई और उसने चाकू से उसे इंजरी दे दी।
तो मिसेस लिन ने पटाख से मेरी सिस्टर को एक वुड वाले रूम में बंद कर दिया जहां उसे मारा जाता है एवरीडे। चूंकि मेरा स्टेटस बहुत लो है तो मैं कुछ भी पता नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि यंग मास्टर आप मेरी सिस्टर की लाइफ को किसी तरह से सेव कर लीजिए और यहाँ से ले जाइए। जिस दिन आपकी मैरिज होगी आप उसको अपने साथ ले जाइए और आज के बाद हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ यंग मास्टर आपके लिए गाय बैल की तरह काम करेंगे। तो जियांग बोलता है अरे तुम रहने दो, ऐसी बातें यहाँ करना सही नहीं होगा, कहके जियांग उठता है और जाने लगता है। और तभी ये जो औरत आई थी वो बोलती है कि यंग मास्टर रुकिए, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरी हेल्प कीजिए। तो जियांग बोलता है कि लोग अधिकतर जो है शब्द सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि तुमने जो कहा उसे तुम रिमेम्बर रखोगी और तुम अपने मेरे द्वारा जो तुम पे एहसान किया जा रहा है उसे तुम एक अच्छे रूप में मुझे वापस चुपकाओगी। और जियांग तब कहता है कि आज से तुम्हें सिर्फ मुझे एक चीज करने में मदद करनी होगी। तो ये जो लड़की आई होती है वो भी जियांग की बात सुनने के लिए रेडी हो जाती है और कामली उसकी बात को सुनती है। दूसरी तरफ जियांग और उसकी सर्वेंट दोनों अपने दोनों पैलेस में लौट जाते हैं। पैलेस में लौटने के बाद जियांग को लगती है भूख और जियांग बोलता है खाना खाने जब वो बैठता है कि ये जो कुकिंग स्किल्स हैं नूडल बनाने के ये कितने बेकार हैं और इस नूडल में तो मीट जो पड़ा है वो भी फ्रेश नहीं है। तो तुम बताओ एक्साओ मोटाओ क्या ये मिसेस लिन ने बनाया है? तो वो बोलती है कि यंग मास्टर मैं तो किचन में खड़ी थी और मैंने पर्सनली इस नूडल को बनाते हुए देखा है और मिसेस लिन ने जो पुराने लेफ्ट ओवर नूडल थे जो सर्वेंट लोगों के कुकिंग पॉट में पड़े हुए थे उसमें से ये निकाला था और मैं मिसेस लिन को मना करने भी गई थी। तो मिसेस लिन ने कहा कि इतनी रात को यंग मास्टर को हमेशा खाने की पड़ी रहती है, उन्हें अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस यही खाना दे सकती हूँ जो सर्वेंट के बाउल में पड़ा है बचा कुचा। और उसने ये भी कहा कि ये जो तुम्हारे हमारे यंग मास्टर है वो तो वैसे भी एक रॉयल फैमिली में शादी करने जा रहे हैं और उनकी शादी वैसे भी एक आदमी से हो रही है और इस शादी का क्या फायदा जब वो बच्चे ही ना पैदा करें। अ रूस्टर दैट कांट ले एग, एक चिकन जो अंडे ना दे सके। तो सर्वेंट बोलती है यदि आप अभी ना खाएंगे और ना पिएंगे और इसे वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्या फ्यूचर में आपको कभी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर्वेंट भी ऐसा सोच रही होती है। जियांग जब सोचता है कि उसे रूस्टर बुलाया गया, साथ में ये भी कहा गया कि वो एक ऐसा चिकन है जो अंडे नहीं दे सकता, तो इसके मुंह पे एक स्माइल तो आती है लेकिन ये स्माइल एक जेन्युइन स्माइल नहीं होती है। और वो सोचता है कि जो मिसेस लिन है वो मुझे मेरे ऊपर लुक डाउन करती है, वो मुझे एक अच्छा व्यक्ति नहीं सोचती है। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से मैं मिसेस लिन के साथ क्लेवर तरीके से डील कर सकता हूँ। और जो जिन जी यून ने जो रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उसकी सिस्टर को बचाऊं उसके बारे में भी मैं कुछ आगे देख सकता हूँ।
और वो अपनी सर्वेंट एक्साओ मू टाऊ को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलो। और ऐसा कह के ज़ियांग अपने सर्वेंट के साथ बाहर जाता है और जाके मिस लिन को बोलता है कि मेरे बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी पिटाई कर सकता हूँ। तो मिस लिन बोलती है कि किसके पास आंखें नहीं है, तुम रात में आधी रात में किचन में आ रहे हो और यहाँ पर ट्रबल फैला रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है आधी रात में किचन में आके ट्रबल करने की। मिसेस लिन बहुत ही गुस्से में होती है और वो चिल्ला रही है। अब मिसेस लिन को नहीं पता होता है कि पीछे से यंग मास्टर सुन रहे होते हैं। जैसे ही वो पीछे देखती है वो पाती है कि यंग मास्टर है पीछे। और वो फटाक से क्लेवरली अपने को बचाने के लिए शिकायत करने लगती है कि यंग मास्टर किचन में तो ऐसे रायट्स होते रहते हैं, वो भी मिडिल ऑफ द नाइट में, देखिए मुझे कितनी इंजुरी भी हुई है। तो आपको मेरे लिए जस्टिस करना पड़ेगा, यदि आप मेरे लिए जस्टिस नहीं करेंगे तो ये इतना इजी नहीं होगा। तभी ज़ियांग जो है वो एक्स मू टाऊ को बुलाता है कि जाओ जाके जो सर्वेंट की अभी पिटाई हुई है उसे जाके मदद करो। सर्वेंट तुरंत तैयार हो जाती है, बोलती है श्योर श्योर मास्टर मैं जाती हूँ और जाके मदद करती हूँ। और अपने मन में सोच रही होती है कि मास्टर को क्या हो गया है जो वो एकदम सडनली अपराइट बिहेव कर रहे हैं, एकदम अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो मिसेस लिन जो अभी नीचे पड़ी हुई थी और एक्टिंग कर रही थी वो उठती है और बोलती है जी ज़ियांग शायद तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई हो, तुम्हारा टेस्ट भी बहुत स्पेशल है। एक तरीके से वो ज़ियांग को मॉक कर रही होती है और क्या तुम्हें लगता है कि यदि ज़ेन बाई वैंग को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, क्या यदि उसको ये पता चलेगा तो क्या ज़ेन बाई वैंग तुमको पैलेस से किक कर देगा, निकाल देगा। दूसरी तरफ ज़ेन बाई वैंग चूंकि अपनी वाइफ को मिलने आना चाहते थे, फ्यूचर वाइफ को, तो वो आ चुके होते हैं और झाड़ियों में खड़े होते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ और ये सब देख रहे होते हैं। तो उनका सबऑर्डिनेट कहता है मास्टर देखो ये अच्छा होगा या बुरा पता नहीं, लेकिन कुबीन जो है अभी भी जी पैलेस में है और वो सर्वेंट्स के साथ लगा हुआ है, पता नहीं अच्छी बात है कि नहीं, क्या आप चाहते हैं मैं कुछ करूं। तो ज़ेन बाई बोलता है नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी जो कुबीन है वो किस तरह इस मैटर को हैंडल करती है। तभी ज़ियांग बोलता है गाइस इधर आओ और ये मिसेस लिन को मेरे लिए बांधो। तो मिसेस लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की, और बोलती है कि ज़ियांग तुम एक बीस्ट हो और तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। और बोलती है कि ये कभी मत सोचना कि तुम अपनी शादी के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। तो ज़ियांग अपने कान में उंगली डालता है और बोलता है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। और वो जिस लड़की की अभी पिटाई की थी मिसेस लिन ने लुआनर को, उसको बुलाता है। अब बोलता है कि चाकू के साथ इधर आओ और इस औरत की जबान काट दो। तो जो ये लुआनर है वो हाँ जवाब देती है कि जी बिल्कुल, चाकू हाथ में उठाती है और मिसेस लिन के पास जाती है और इसे चाकू को दिखाती है। तो मिसेस लिन बोलती है स्टॉप स्टॉप। तभी ग्रेट लेडी जो जिन फैमिली की
ग्रेट लेडी है वो आ जाती है, और जो मिसेस लेना है वो बोलती है कि ग्रेट लेडी मुझे बचाओ, मुझे यंग मास्टर जो है वो मारना चाहते हैं, यंग मास्टर जो है लोगों को मारना चाहते हैं। तभी जो लड़की है वो हाथ में चाकू लेकर खड़ी होती है, वो मिसेस लिन के को मार ही देती है, और जो ग्रेट लेडी है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा जियांग स्टॉप करने के लिए, फिर भी तुम स्टॉप नहीं हो, इसका क्या मतलब है? तो जियांग बोलता है, ग्रेट टैंड, ये सर्वेंट ने मेरी इंसल्ट की, और इस सर्वेंट के साथ मेरा पहले भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, और ये सर्वेंट मेरी बार बार इंसल्ट कर रही थी, तो मैं कैसे इसे छोड़ दूं? और वो बोलता है कि मैं तो वैसे भी एक सब्स्टिट्यूट हूँ आपकी सबऑर्डिनेट्स का, आप मुझे हमेशा पनिशमेंट ही देना चाहती हैं। और मैंने सुना है कि आपने अपने यंग एज से ही बहुत सारे मैनर्स को सीखा है, और अपने आप को एक मॉडल की तरह पेश करती हैं लोगों के सामने, जो कि कितनी झूठी बात है। और जिन यांग बोलता है कि इस मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक छोटा मोटा आपका सर्वेंट ही हूँ, मैं वल्गर बातें करता हूँ, और मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट है ग्रेट आंट कि मैंने आपके सामने ये सब किया, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी ग्रेट आंट सोच रही होती है कि जो जियांग है वो एक बीस्ट है, और वो जो भी कहता है वो करेक्ट ही कहता है, ऐसा उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा, और बोलती है हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, और पूछती है तो फिर तुमने क्या सोचा है ये लड़की लुनार को जिसको तुमने बचाया उसके साथ क्या करने वाले हो, और उसका क्या करने वाले हो मिसेस लिन का, क्या उसे वाकई में तुम मार देना चाहते हो जान से पूरी तरीके से? तो वो बोलता है ये बेस्ट ही रहेगा कि मैं उसे मार ही दूं, क्योंकि क्या है यदि नहीं मारूंगा तो ये वापस मेरे साथ कम्पीट करेगी, फिर कोई ना कोई क्लैश होगा, फिर वो मेरे पे कोई चार्ज लगाएगी और मुझे जबरदस्ती का बदनाम करेगी। तो इसकी जो ग्रेट आंट है वो बोलती है ठीक है फिर जैसा जियांग बोलता है वैसा ही हम करेंगे, वैसे भी जियांग अब बड़ा हो गया है। तो जियांग मुड़ता है और बोलता है थैंक यू, आपने जो पहले मेरी जो पास्ट में केयर करी उसके लिए, अब यहाँ कुछ है नहीं तो मैं वापस जाना चाहूंगा। और इसी तरह वो लुनार और एक्सामोटाओ को बोलता है चलो चलें लेट्स गो। और तभी लुनार सोच रही होती है कि ये जो यंग मास्टर है वो क्या वाकई में यंग मास्टर है, मतलब उसने ऐसे पहले कभी इस मास्टर को ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। और वो बोलती है ना जाने हम इसे किसी भी तरीके से देखें, ये किसी भी तरीके से 17 और 18 साल के टीनेजर की तरह भी नहीं दिखता है, ये एकदम एडल्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ जैन बाई का सबॉर्डिनेट बोलता है कि मास्टर अभी भी लेट नहीं आए कि हम जाके इंटरफेयर करें इन लोगों के बीच में, और यहाँ हम अपने पैलेस वापस चले। तभी जैन बाई बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी भी थोड़ी देर वॉक करना चाहता हूँ, ऐसा कहके वो थोड़ा वॉक करने लगता है, और वो कह रहा होता है कि लोगों के हिसाब से जो जी पैलेस है उसका तो अब डिटोरिएशन शुरू हो गया है, और जी यांग जो है वो इस पैलेस का एक ऐसा बंधा है जिसे वहां के सर्वेंट्स भी बुली करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। और वो अपने मन में ये भी सोचता है, जैन भाई अपने मन में सोचता है कि जैसा लोग मेरी कुबीन के बारे में कहते हैं कि मेरी कुबीन बड़ी कावड़ है और बिल्कुल डम सी है, लगता है मेरी कुबीन वैसी है नहीं जैसा कि र्यूमर्स में
कहा गया है।